अ थ्रिम्प ऑफ सर्जरी। इसमें तीन करेक्टर हैं। एक है सबसे मेन करेक्टर जो है एक डॉग जिसका नाम है ट्रिकी, और दूसरी है उनकी मालकिन जिनका नाम है मिस पम्फरे, एंड लास्ट थर्ड वन करेक्टर इज डॉक्टर हैरियट। तीसरे करेक्टर हैं इसमें डॉक्टर हैरियट। तो ये चैप्टर में अब क्या क्या है हम आज जानेंगे। सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक ट्रिकी कुत्ते की जो ऑब्वियसली बात है बहुत लाड़ प्यार से पाला गया। किसके द्वारा? मिस पम्फरे के द्वारा। वो जो अमीर घरों के कुत्ते होते हैं वो कुत्ता है, और ऑब्वियसली बात है उसको खाने के लिए चॉकलेट ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अब क्या हुआ, अब इसको बहुत सारा खिला के ये कुत्ता वैसे ही क्या हो चुका था, बहुत हेल्दी हो चुका था, बहुत मोटा हो चुका था। ठीक, तो जेम्स हैरियट एक बार देखते हैं, वो ऑलरेडी ट्रिकी के हेल्थ को देख के मतलब क्या थे पहले से ही आश्वस्त थे कि ये इसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो मिस पम्फरे को सजेस्ट करते हैं कि आपने क्या करना है, कहीं ना कहीं इसकी हेल्थ पे ध्यान देना है और इसको ऐसी चीज़ें नहीं खिलानी है जो उनके लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। ठीक हो गया फिर। लेकिन मिस पम्फरे बहुत ही अच्छा मानती थी उस कुत्ते को, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं खिलाना, और लगातार खिलाते रहे उसे, चॉकलेट खिलाई, बिस्किट खिलाए, ऐसी ऐसी चीज़ें खिलाई जिससे उसकी हेल्थ और ख़राब हो गई। और कुछ टाइम बाद कुत्ता क्या बन गया, कुत्ता नहीं रहा बल्कि भैंस बन गया। मतलब बेसिकली जो कुत्तों का होता है ना ये वाला एरिया ऊपर को होता है, उसका ये वाला एरिया जो था वहाँ पे वापस उसमें मिलने लग गया था जमीन में, इतना मोटा हो चुका था। और कुछ टाइम के बाद उसे वोमिटिंग आने लग गई, मतलब उल्टियाँ होने लग गई। अब मिस पम्फरे चिंता में, बोला जाए अब करें तो करें क्या। तो उन्हें फ़ोन मिलाया हैरियट को, मिस्टर हैरियट बड़ी दिक्कत हो गई, कुत्ता कुछ खा भी नहीं रहा हमारा, सॉरी यहाँ कुत्ता नहीं ट्रिकी, ट्रिकी हमारा कुछ खा भी नहीं रहा और क्या हो गया और उल्टियाँ भी कर रहा है, बहुत दिक्कत हो गई। तो हैरियट कहते हैं ठीक है अब एक काम करना पड़ेगा, इसे हमारे हॉस्पिटल में ही भर्ती करना पड़ेगा। बेचारी शॉक्ड, आज तक एक दिन के लिए उन्होंने अपने ट्रिकी को अलग नहीं कर रखा है अपने से, उसे लगता है कि उसका ट्रिकी उसके बिना कैसे रहेगा, एक दिन भी ट्रिकी उसके बिना नहीं रह रखा है अपनी मालकिन के बिना। तो बड़ी चिंता में अब क्या करें करके, लेकिन अब क्या करें, हॉस्पिटल में भर्ती करना भी ज़रूरी है क्योंकि उल्टियाँ कर रहा है, चल फिर नहीं पा रहा है। तो जेम्स हैरियट लेकर आ गए गाड़ी अपनी। अब वो देखते हैं कि उस कुत्ते की किस तरीके से देखभाल की जाती है। उसके दिन में सोने का बिस्तर अलग है, रात के सोने का बिस्तर अलग है, समझ रहे हो? मतलब हमारी कंडीशन तो पता है, मैं अपना तो बिस्तर एक साल से एक ही जैसा है, मतलब तो समझ लो, तो मतलब मान सकते हैं कि आप लोगों की कंडीशन मतलब समझ लो उससे बहुत ही बेटर ट्रिकी की कंडीशन है। उसके लिए खाने के लिए अलग अलग बर्तन है हर समय के लिए, उसको खाना चम्मच से खिलाया जाता है बड़े प्यार से, गोद में पकड़ के रखना आराम से। अब बात आई कि किया क्या जाए, उसको बड़ी चिंता। तब तो देखा गाड़ी में सारा सामान जा रहा है बढ़िया से भर भुरा के, किसके लिए, वहाँ के लिए। अब जेम्स हैरियट समझ गए कंडीशन क्या है इसकी, बिस्तर विस्तर सब है। जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे अब देखा वो कुत्ते, बाकी कुत्ते भी देखे कहीं खुश, हमारा एक और मेहमान आ गया करके साथ पर, सारे कुत्ते दौड़ते हुए कहाँ गए, ट्रिकी के पास। अब ट्रिकी को जैसे देखा सबने सूंघा, बोला यार बड़ा आलसी है ये, काम का नहीं है, सारे उसको छोड़ के चले गए। अब तुमने देखा होगा जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे तुम लोग कोई गेम्स वगैरह खेलते हो या कुछ खेलते हो, कोई एकदम से आलसी टाइप का आदमी आ जाए तुम्हारे बीच जिसको खेलना भी नहीं आता, मतलब मोटा टाइप का अजीबोगरीब होता है कई बार, कई लोग बीमार भी होते हैं, कई लोग अजीबोगरीब आलसी भी होते हैं। अब ऐसे इंसान को इंसान दोस्ती करता है, आप ना फुटबॉल खेल रहे कहाँ उसके चक्कर में लगे रहेंगे, अपना खेलेंगे ना। तू एक काम कर यार बैठ जा आराम से, तू एक काम कर खेलना ही, गोलकीपर लग जाएंगे उससे बहुत ही बहुत, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। वैसे बाकी कुत्तों ने भी देखा ट्रिकी को, बोला यार ये तो बेकार ही है रहने दो, तो सब चले गए। अब मिस्टर हैरियट कहाँ वो रखते उसे, कोई गद्दे कोई बिस्तर कोई यूज नहीं किया उनने कहाँ रख दिया उनको, बाकी कुत्तों के साथ ही अपने हॉस्पिटल, कोई सुविधा नहीं। और खिलाया क्या, कुछ नहीं,
पहले दिन भी पानी पिलाया और दूसरे दिन भी पानी। अब उनका इलाज देखो, मैं उनका इलाज बताता हूँ। दो दिन तक पानी वानी पिलाया बढ़िया से, तीसरे दिन खाना लगा दिया। अब तीसरे दिन खाना लगाया तो सारे कुत्ते खाने के लिए एक साथ दौड़े। अब ट्रीकी की तो आदत थी नहीं, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा चल के वो भी पहुँचा। तब तक खाना क्या हो चुका था सारा खत्म। यहाँ पर ट्रीकी को कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि अगर उसे खाना खाना है तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। ट्रीकी की लाइफ कैसी थी? बढ़िया से बिस्तर में बैठ के चम्मच से, यानी लाइफ ट्रीकी की थी। अब क्या करता हो, अब तो खा नहीं सकता था। तो अगले दिन चौथे दिन वो भी थोड़ा तेज गया और थोड़ा सा खाना उसके भी उसको भी नसीब हुआ। थोड़ा सा खाना नसीब हुआ तो बाकी कुत्तों के हाथ उसने भी घूमना फिरना शुरू कर दिया। अब यहाँ से मिस पंपरे का रोज कॉल आ रहा है, कैसा है मेरा ट्रिकी, कुत्ते की कंडीशन है कैसी। तो इस बार अब डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, थोड़ा खतरे से बाहर है, थोड़ी कंडीशन ठीक है। अब जैसे ये बात कही, देखते हैं कि पीछे से एक गाड़ी आ गई है, गाड़ी में बहुत सारा सामान, अंडे बार और वाइन, ठीक, और कई भी ऐसी ऐसी चीज़ें पहुंच गई हैं कहाँ, हॉस्पिटल में डॉक्टर का। कुत्ते की भी अब रिकवर कर रहा है करके डॉक्टर साहब ने कहा चलो ठीक ही है, आ गए हैं। तो डॉक्टर साहब ने अपनी टीम के साथ बढ़िया से शाम को बढ़िया से अपनी पार्टी बढ़िया से कर ली, क्योंकि इंतजाम हो ही गया था पार्टी का। कुत्ते को लेकिन डॉक्स का खाना ही खिलाया, टिक्की को बाकी वही खाना खिलाया। अब कुत्ता क्या कर रहा है, बार बार रिकवर कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है बाकी कुत्तों के साथ, खुश है क्योंकि ऑब्वियसली बात है अपने सर्कल के साथ सब खुश रहते ही है। घूम रहा है तो ऑब्वियसली बात है बहुत ही जल्दी रिकवर कर लिया उसने और लगभग ठीक होने की कगार में भी आ गया। अब क्या करें, डॉक्टर साहब की भी मजबूरी है, उनको फ़ोन करके बताना पड़ा आपका टिक्की ठीक है, आप ले जा सकते हैं। हालांकि डॉक्टर साहब क्या चाहते थे, टिक्की को अपना परमानेंट गेस्ट बनाना चाहते थे। क्यों बनाना चाहते होंगे, क्योंकि बस डॉक्टर के मजे, क्योंकि कुत्ते की पार्टी उड़ानी थी उनने। कुत्ते का जो खाना आ रहा था, कुत्ते का खाना भी देखो कितना वैल्यूबल है, डॉक्टर लोग आ रहे हैं। तो इस तरीके से कुत्ते का उन्हें बढ़िया से खाना उड़ा रहे थे, लेकिन अब उनको बताना पड़ा कि अब ट्रिकी क्या है, रिकवर हो चुका है, थोड़ा ठीक हो चुका है, आप ले जा सकते हैं। तो मिस पंपरी पहुंच गए, अब पहुंचे वो बड़ी सी गाड़ी लेकर अपनी 30 फुट की, पहुंच गए वहां। अब जैसे देखते हैं तब देखते हैं कुत्ता आ रहा है बड़ी तेज़ी से उनके यहाँ और उछल के उनके गोद में बैठ गया और उनको चाट रहा है। मिस पंपरी मतलब शॉक्ड हो गई देखकर कि ये क्या हो गया, अपना कुत्ता जो बिल्कुल इतना मोटा हट्टा कट्टा वाला अजीब सा बन के गया था, वो कुत्ता इस तरीके से उछल रहा है। वो कुछ सोच भी नहीं पाई और जैसे ही गाड़ी लेकर गई वो घर को, पीछे वो मुड़ के उसने देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे और वो कहती है डॉक्टर दिस इज अ थिंप ऑफ सर्जरी, यही तो तुम्हारी क्या है, सर्जरी की जीत है। ठीक है, तो यहीं पर ये कहानी होती है ख़त्म। उम्मीद है समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक।